महिला को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जा रहा है, ये कहाँ है आदिवासी, कहाँ इसमें हम महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन मणिपुर के घटना में भी उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आदिवासी महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे उनको बोलना चाहिए, पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक महिलाओं के लिए कोई कड़ा कानून नहीं आएगा। ये सब दिखावा है, दिखावा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जनता मंदिर पर, जहां जो है कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। और इनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासियों को जो है वो संरक्षण दिया जाए। यहां पर मौजूद लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहां जो है आदिवासी संकट में है, आदिवासी सेव करने की मांग कर रहे हैं, बताइए कैसे खतरे में कैसे। मणिपुर की घटना को देख लो और कहीं देख लो, आदिवासी हर जगह संकट में। राष्ट्रपति तो आदिवासी ही है, आदिवासी है। राष्ट्रपति को आदिवासी राष्ट्रपति बना के मोदी जी ये ठहराना चाहते हैं कि भाई आदिवासी को सम्मान दे रहे, कोई सम्मान नहीं मिल रहा। आज मणिपुर की घटना को लेकर, इससे अभद्र घटना, इससे गिरी हुई घटना कुछ नहीं हो सकती, इससे नीचे की स्तरीय घटना, जो महिला को निर्वस्त्र करके रोड पे घुमाया जा रहा है, ये कहाँ है आदिवासी, कहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, उनका भी मन दुखी है इस पर। उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, तो कार्रवाई हुई नहीं और अब क्या होगा, इससे आपको भी ध्यान है क्या होगा, क्या होने को है। कार्रवाई तो बहुत ही वहाँ पे उन लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगा के बिल्कुल मुख्यमंत्री को हटाया जाता, वो कार्रवाई। लेकिन वो जो है लगातार इस पर बैठकें कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, हमारे सामने को चिंता जाहिर करने तो आज ये करने को नहीं मिलता। आप लोग तो विपक्ष है, मोदी को घेरने का काम करते रहते हैं, मोदी को बदनाम करने का काम करते हैं, ऐसा नहीं। नहीं, कोई बदनाम नहीं है, बिल्कुल बदनाम, बिल्कुल घटना पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में ऐसी घटना कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उसको लेकर कोई बदनाम नहीं कर रहे। आप मीडिया को भी ध्यान है, हम सब लोगों को ध्यान है इस बारे में, भाई बदनाम किया जा रहा है कि हकीकत में कर रहा है। कहा ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई पेशाब कांड वाला, उसके बाद जो है शिवराज सिंह चौहान ने घर बुलाया, पैर धोए, उसके साथ खाना खाया, इससे बड़ी इज्जत क्या। ये सब दिखावा है, दिखावा है, दिखावा क्या। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से जो है आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो घटना हुई उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उनके पैर धोए हैं, तो इससे बड़ी सम्मान और क्या हो। जो मणिपुर में जो हुआ है बहुत दर्दनाक चीज हुई है। मैं तो सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूँगा, मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर विशाल सिरसाट हूँ। और जब मुझे पता चला कि कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर मणिपुर के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जा रहा है, इसके लिए मैं वहाँ से आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड की घटना हुई उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने पैर धोए, साथ में बैठ के खाना खिलाया, साथ में बैठ के खाना खाए, कहा कि तुम हमारे लिए मित्र हो, तो लोगों का कहना है कि इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा। नहीं, ये जो है ना मोदी साहब जो है पूरे दिखावे की बात करते हैं। ये जो इतना अभी मणिपुर में जो हुआ है इसके लिए आप सदन में कुछ बोल नहीं रहे है, सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है। उसके अंदर राजकारण जो होता और जो मोदी जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि उनका मन दुखा है इस घटना को लेकर, उन्होंने दुख जताया है। दुख जताने से कोई फर्क नहीं होने वाला है, वहाँ पे जो लोगों को तकलीफ हो रही है अभी भी तकलीफ चालू ही है, वहाँ पे खुली गोलीबारी हो रही है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं वहाँ से। क्या आपको वीडियो दिख नहीं रहे मोदी जी, वो वीडियो दिख नहीं रहे मोदी जी को, अमित शाह को नहीं दिख रहे वो वीडियो, सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा है वहाँ पर के अच्छे। लेकिन राष्ट्रपति जो है, देश के राष्ट्रपति तो आदिवासी ही है। राष्ट्रपति आदिवासी है, लेकिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी को अभी जो सदन, नया सदन जो अभी ओपनिंग हुआ था, उस टाइम में वहाँ पे जो उनका सम्मान नहीं किया गया, सिर्फ वो नाम के लिए ही उनको उन्होंने बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि सब सबका साथ सबका विकास, वैसा कुछ भी नहीं है। सब ये
जातिवाद के आधार पे उनका सत्ता। राष्ट्रपति इस पर क्यों नहीं कुछ कहती? आदिवासियों के अधिकार के साथ जो भी हनन होता है, वो खुद एक महिला है और राष्ट्रपति है, वो क्यों नहीं आवाज उठाती, कुछ क्यों नहीं बोलती? आप गए थे वहाँ पर, सब मीडिया गए थे वहाँ पर बोलने के लिए, गए थे मीडिया पूछने के लिए, गए मीडिया वहाँ पर राष्ट्रपति जी के पास, कोई मीडिया वाला गया? आप बताएं कि आप ये आदिवासी समाज के लिए आए हैं ना यहाँ पर, तो वो खुद भी तो आदिवासी समाज से आती, वो खुद कभी आवाज उठाती हुए तो नहीं नजर आती? उठाएंगे वो, लेकिन अभी कैसा है उनको कुछ मॉडल भी है, बोला होगा मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कुछ प्रॉब्लम होगी उनको। लेकिन लोग कैसे है अभी आप देख रहे हैं कि जिस किसी को दबा के रखना चाहते उनको इसी कारण उनको दबाया गया होगा, ऐसा हमारी राय है। महिलाओं के ऊपर भारत देश में हम महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, और इतनी ज्यादा महिलाओं के ऊपर घटनाएं पूरे भारत देश में अलग अलग राज्य से सुनने को मिल रहा है। जो राष्ट्रपति है महिला है और आदिवासी भी है, आप आदिवासी बचाओ के लिए नारे लेकर आई, लेकिन आपके राष्ट्रपति जो है, जो सबसे महामहिम है, वो आदिवासी समाज से आती, आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन मणिपुर के घटना में भी उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना कोई मतलब एक्शन नहीं आया है। क्या हो सकता है, मजबूरी या क्या कुछ हो सकता है जिसके वजह से राष्ट्रपति कुछ नहीं कहती? इसमें मजबूरी वाली क्या बात है, वो तो इतने बड़े पद में बैठी है, है ना, आदिवासी महिला है, आदिवासी महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पे उनको बोलना चाहिए, ये तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक आदिवासी महिला है, लेकिन कभी भी आवाज उठाती हुई नजर नहीं आती, किसी मुद्दे पर बोलती हुई नजर नहीं आती, और उड़ीसा में भी क्या चल रहा है उनको बोलना चाहिए। जब इतने बड़े पद में वो बैठी है, राष्ट्रपति के पद पे बैठी है, राष्ट्रपति जी को बोलना चाहिए। एक समाज के लिए मोदी जी भी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? वादे करने से कुछ नहीं होता, वादे ना करे लेकिन एक्शन ले वो ना, वादे तो हर इंसान, हाँ वादे तो हर इंसान कर सकते हैं। तो मणिपुर हिंसा को करीब 3 ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस से इस विषय में क्या कहना चाहती है? जब से ये घटना सामने आई है तब से हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ भर में, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला, अलग अलग ब्लॉक में हम लोग धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हम लोग का जारी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग आज दिल्ली जंतर मंतर में धरना देने आए हैं। लेकिन जो है धरना प्रदर्शन लगातार जब से हिंसा शुरू हुई है और तमाम जो भी मुद्दे होते हैं तो प्रदर्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं सुनते, ना सुनने के लिए वो फेमस, तो क्या लगता है आपके इस प्रदर्शन से असर पड़ेगा? अगर हमारे आज इस प्रदर्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, आगे हमारे जो बड़े नेता हैं वो हमको जैसा आदेश देंगे महिलाओं के लिए हम सब करेंगे। लेकिन लगता है बड़ी बात ये है कि हम आदिवासी हैं, भारत देश के मूल निवासी हैं, तो हम लोग के ऊपर हो रहे अलग अलग राज्यों में इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे भारत देश में सुरक्षित हैं ऐसा बोले हम? आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हम आदिवासी समाज इनका पूरा विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक महिलाओं के लिए कोई कड़ा कानून नहीं आएगा। ये जो है सभी आदिवासी समाज से महिलाएं आती हैं और तमाम लोगों का जो है ये यही कहना है कि जो कुछ मणिपुर में हुआ और आदिवासियों के साथ जिस तरीके से भेदभाव का वीडियो और जो तस्वीरें सामने आती है उसको लेकर ये साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करने आए हैं, और जो है 2024 में आने वाले चुनाव में इसका परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।